वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और तो गाइस, हम आज गए हैं ऊर्जा नगर मंदिर। आप देख रहे हैं, अभी पूजा करने जा रहे हैं सर्वप्रथम गणेश भगवान का। गणेश भगवान का पूजा सभी देवताओं में, सभी देवियों में सर्वप्रथम किया जाता है। सभी देवताओं में गणेश भगवान को ही पूजा जाता है। इसका एक स्टोरी है, आप स्टोरी अगर जानते हैं तो और अच्छा है, जानते हैं तो शॉर्ट बता देते हैं। भगवान ने बोला, ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आइए भाई। कार्तिक अपर के साथ निकल गए। अब गणेश भगवान तो क्या करें करें। फिर उन्होंने की सवारी और माता पिता ही चारों तरफ चक्कर लगा लिए। इस तरह से गणेश भगवान और कार्तिक भगवान जो गणेश भगवान जीत गए। तो भोलेनाथ ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आज बाद कभी किसी भी देवता का पूजा होगा और इसके बाद किसी और का पूजा होगा, यहीं से नहीं होगा। तो गाइस, ये छोटा सा स्टोरी था। और अब हम पूजा वूजा करने के बाद अगरबत्ती जो दिया जाता है, अगरबत्ती का जो पूजा किया जाता है, उसको जलाना बहुत अनिवार्य है। जो है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और इसमें अग्नि भी है, अग्नि दे दिया जाते हैं और सुगंधित रहता है और पूरा माहौल, पूरा वातावरण। और एक याद रखिएगा, जब भी आप पूजा कीजिएगा ना, दिल में अजीब तरह की खुशी होगा, लगेगा कि मैंने आज बहुत बड़ा कार्य किया है। और अगर आप नित्य दिन करते हैं तो वह बेहतरीन है। वहाँ से पूजा करने के बाद हम निकल गए शिव मंदिर। शिव मंदिर में पूजा किए। शिव मंदिर के बाद पूजा करने के बाद फिर हम आ गए नंदी भगवान। नंदी भगवान का पूजा किए और नंदी भगवान के बाद फिर आ गए माँ पार्वती। माँ पार्वती का पूजा करने के बाद तो गाइस, यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप जब कभी भी मौका मिले तो आप जरूर, अगर कल तो जरूरी है, परिवार के साथ मंदिर के दर्शन करें, पूजा करें। और चूंकि यहाँ सारे देवी देवताओं को स्थापित किया गया है, जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का भी मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, काली माँ का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, और अभी दुर्गा का माँ जो है नवरात्रा चल रहा है। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ दर्शन इसलिए करने आते हैं, यहाँ जो यहाँ पे जो राम पद होता है वो पूरे जो है ना इस क्षेत्र के लिए गोड्डा डिस्ट्रिक्ट फेमस है। और यहीं पे स्टेट है रावण वध किया जाता है, बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया जाता है। आप देख पा रहे हैं मंदिर की बनावट, अब मंदिर का जो क्लीनिंग साफ सुथरा नीट एंड क्लीन, हरियाली आम के, कहीं तुलसी के, बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं। बहुत लोग आते हैं सवेरे, लोग आते हैं, सब चीज़ों की व्यवस्था हुआ है, पानी की व्यवस्था है। और सभी अपने घरों से देखिए अगरबत्ती जो है रखने का जो है बना दिया गया है। और अब हम निकल रहे हैं आगे आगे जो है देखिए माता मंदिर। आप
पा रहे हैं, गेट में हमेशा फाटक लगा हुआ रहता है, लेकिन सवेरे खोल दिया जाता है। देखिए बताएंगे, और देखिए यहाँ कुछ लोग जो अगर घर से नहीं आए तो यहाँ पर भी सारे चीज आपको मिल जाएंगे। आप आए नहा धोवा के, उसके बाद यहाँ हमारे पूजा सामान खरीद ले, खरीदने के आप समय दें, आप सभी भगवानों के दर्शन करें, सभी भगवानों के दर्शन करके जो है ना आशीर्वाद और ऊर्जा नगर जो मेला है ये इस क्षेत्र में एशिया कोल फील्ड है, सबसे भीड़ होता है और यहाँ दूर दूर से जो है ना जो बेचने वाले होते हैं और हर एक तरह के आइटम्स आपको मिल जाएंगे, कम दाम में भी और ब्रांडेड आइटम में मिल जाएंगे। और इतने जो है ये देखिए यहाँ भगवान दर्शन करना है, उसके बाद फिर शनिदेव का मंदिर जाएगा, जगन्नाथ बाबा का मंदिर जाएगा, माँ काली का मंदिर है, सभी के पूजा अर्चना का आशीर्वाद प्राप्त किए। तो गाइस इस तरह के ब्लॉग और इसी तरह अच्छे सेशन के साथ आते रहेंगे, हम लोग को भी सपोर्ट कर, बिना सपोर्ट का तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता है, आप जान रहे हैं। अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें और से अधिक जो है लोगों को प्रेरित करें भगवान के प्रति, हिंदू धर्म को अगर ले जाना है और हिंदू धर्म में जो आस्थाएँ टिकी हुई है, कि हम यहाँ आ गए जगन्नाथ मंदिर, ये जगन्नाथ बाबा को यहाँ पे स्थापित किया गया है, इसकी बनावट इसकी डिजाइन देखिए, बाहर से जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने होंगे और हमने ये पूजा पाठ कर लिया। पूजा पाठ करने के बाद हम फिर आगे बढ़े, बढ़ते ही हमको मिला फिर भगवान शनि महाराज, और शनि महाराज के फिर दर्शन किए, यहाँ पूजा पाठ किए, पूजा पाठ करने के बाद फिर आगे हम लोग निकले बजरंगबली। इसी तरह के ब्लॉग खत्म आते रहे, थैंक यू वेरी मच।